इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, यंग मॉड्यूलस वाई, बक मॉड्यूलस के, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइजन रेशियो सिग्मा के बीच में रिलेशन, या फिर कह सकते हैं यंग का प्रत्यास्थ गुणांक वाई, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के, अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक ईटा एंड पॉइजन अनुपात सिग्मा में रिलेशन डिस्कस करेंगे। बट इन सभी को हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए। आइए समझते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो दोस्तों इसको हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके बेस पर इन सभी के बीच में हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो मेथड होगा, पहला मेथड होगा चेंज इन वॉल्यूम बट शेप इज नॉट चेंज। यानी कि अगर हम किसी इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं कि उसके वॉल्यूम में चेंज आए ओनली और शेप में चेंज नहीं आए, अगर ऐसा होता है तो हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं यंग मॉड्यूलस वाई एंड बक मॉड्यूलस के एंड सिग्मा। क्योंकि जब हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो यंग मॉड्यूलस ऑटोमेटिक प्रेजेंट होगा क्योंकि उसके अंदर पॉइजन रेशियो आ जाएगा। ये कैसा आएगा इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट जब ओनली किसी बॉडी की वॉल्यूम में चेंज होता है तो हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं यंग मॉड्यूलस वाई, बक मॉड्यूलस के एंड पॉइजन रेशियो सिग्मा में। अब ऐसा ही क्यों किया इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा केस हो सकता है वॉल्यूम इज नॉट चेंज एंड शेयरिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस। यानी कि अगर किसी बॉडी की वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है बट उसमें शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं यंग मॉड्यूलस शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ रिजिडिटी, या फिर कह सकते हैं ये सिग्मा। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक बार रिपीट करूँगा, पहले में क्या है किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है बट उसकी शेप में चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यंग मॉड्यूलस, बक मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो। इन्हीं को ही हमने क्यों चूज़ किया है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि जब वॉल्यूम में तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है बट उसमें शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर अगर बात करते हैं ये क्या है अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक, ये इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी कोफिशियंट ऑफ रिजिडिटी, ये होता है तो उस सिचुएशन में हम यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वाला, सेकंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, कंसीडर कर लेते हैं ये कोई क्यूब है, तो आप देखेंगे ये क्यूब है जिसकी डायमेंशन यूनिट है, कितनी मान ली हमने 1 यूनिट या 1 मीटर मान सकते हैं, यूनिट ही मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ इसकी जितनी भी डायमेंशन है, अगर मैं इसको एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, इसको वाई कंसीडर कर लेता हूँ और इसको जेड कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा एल एक्स इज इक्वल्स टू 1, एल वाई इज इक्वल्स टू 1 और एल जेड इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पर इसको 1 कंसीडर क्यों किया है, तो यूनिट कंसीडर करने पर बहुत आसानी से हम इन तीनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि जब हम वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये यंग मॉड्यूलस किस तरीके से आया, तो आप इसको जिस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो ये कोई क्यूब है जिसकी डायमेंशन कितनी है 1 यूनिट है, अगर आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो इसकी लंबाई में चेंज आ जाएगा, और जब इसकी लंबाई में चेंज आएगा तो ये पतला हो जाएगा, और पतला होने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों प्रेजेंट रहेंगे। आप सोचो ये क्यूब था, मैंने इसको ऐसा खींचा एक बार, जब एक बार इसको ऐसा खींचूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, और लंबा होने का मतलब क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति,
और जब लंबा होता है तो ये पतला भी होगा, और जब पतला होता है तो इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसको हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके सभी सरफेस पर, कौन से सरफेस, तो देखेंगे एक तो हो गया ये ए बी सी डी ये वाला सरफेस, दूसरा हो गया ये ई एफ जी एच। अब ये क्यूब है जिसकी कोई भी एक ब्रांच कितनी है, वन यूनिट है। यहाँ पर यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ, मीटर नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट लेंथ का ही यूज़ कर रहे हैं। ये भी क्या है, वन यूनिट, ये भी क्या है, वन यूनिट, ये सब वन यूनिट हैं। और ये क्यूब है एक। अब जब ये क्यूब है तो इसके हम सभी सरफेस पर फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर। तो एक फोर्स कहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर। एक फोर्स यहाँ पर लग सकता है, एक फोर्स यहाँ पर लग सकता है, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स अंदर। तो यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। और जैसे ही सभी डायमेंशन में फोर्स लगेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज आ जाएगा, और जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हैं, जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बक मॉड्यूलस आएगा। तो जैसे मैं किसी एक डायरेक्शन को खींचूंगा, ऐसा मान लेते हैं पहले ओनली मैं इन दोनों को खींचता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा और ये पतला हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर फोर्स, यानी कि सभी डायरेक्शन में हमको फोर्स लगा करके चेक करना है। तो पहले एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, और फिर जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं और इसके वॉल्यूम में कंप्लीट चेंज होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाते हैं वो भी कितना लगाएंगे, यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे वन यूनिट। यूनिट में यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर ओनली रिलेशन निकालना है, और जब रिलेशन निकालेंगे तो यूनिट के लिए बहुत इजीली अच्छा रिलेशन इजीली आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही बात करते हैं बक मॉड्यूलस, तो कितना होता है ये, के इक्वल्स टू होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन। अब अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम स्ट्रेस की, तो वॉल्यूम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो फोर्स ओवर एरिया। यहां पर हमने फोर्स कितना लगाया है, वन यूनिट, और एरिया कितना हो जाएगा, वन इंटू वन। तो यहां पर देखेंगे एरिया हो जाएगा वन इंटू वन, दैट मीन्स वन यूनिट। तो यहां पर जो ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, फोर्स भी वन यूनिट है और एरिया भी वन यूनिट है, तो यहां पर जो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा वो वन यूनिट होगा। अब आप यहां पर देखेंगे, वैसे अगर बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होता है, तो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा वन इंटू वन इंटू वन, दैट मीन्स वन यूनिट, वन यूनिट। तो यहां पर देखेंगे डेल वी ओवर वन, यानी कि अगर हम यहां पर चेंज इन अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हम इजीली के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ओनली यहां पर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, और अगर चेंज इन वॉल्यूम मिल गया तो बाकी सब तो क्या है, यूनिट है। तो इजीली हम यहां पर बग मॉड्यूलस कैलकुलेट कर पाएंगे, वही हमें करना है। तो यहां पर देखेंगे इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वन यूनिट है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं वी इज इक्वल्स टू वन यूनिट, और डेल भी हमको कैलकुलेट करना है, और जैसे ही डेल भी मिल जाएगा तो इसी के बेस पर हम के कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत इजीएस्ट वे है यूनिट तरीका मानने का, आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं। आज तक आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते थे, फॉर्मूला होता था आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, एल को भी यूनिट माना, ए को भी यूनिट माना। तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टेंस के इक्वल आती थी। तो जब भी हमको कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो शानदार तरीका होता है यूनिट का यूज़ करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि पहले मैं किन्हीं दो सरफेस पर फोर्स लगाता हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग, और जब लंबाई में, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा मान लेते हैं पहले मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लंबाई में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जब लंबाई में चेंज आता है तो यहाँ पर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको मैं अल्फा से बोल सकता हूँ, और अल्फा कितनी होती है, तो ये होती है डेल एल ओवर एल। क्या होती है ये डेल, अब यहाँ पर एल क्या है, तो यहाँ पर एल यूनिट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी,
डेल एल हो जाएगी। तो यहां पर हमने अल्फा क्या बोला है, अल्फा यहां पर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसी तरीके से बात करें, जब खींचेंगे इस तरीके से, भाई इस तरीके से मैं इसको खींचूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, और जब लंबा होगा तो ये पतला होगा, तो जो लंबाई के अकॉर्डिंग चेंज आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन ये पतला हो जाएगा, और जो पतले होने पर चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको, हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। हम लास्ट लेक्चर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था पॉइजन रेशियो। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं बीटा से, और बीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी डायमेंशन कितनी है, एल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ही हो जाएगा डेल एल ओवर एल। यानी कि और ये क्या है, यूनिट, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डेल एल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने उसको खींचा तो पतला हो जाएगा, तो यहाँ पर दो चेंज होते हैं, कितना होता है, अगर लेंथ में चेंज अल्फा आ रहा है, लंबाई कितनी हो रही है, अल्फा चेंज हो रही है, तो चौड़ाई कितनी पतली होती है, बीटा, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं एल एक्स डैश, एक्स डायरेक्शन में, तो इज इक्वल्स टू कितना था ये, तो ये था वन वन। अब जैसे ही मैंने इसको खींचा तो लेंथ में कितना चेंज आया, अल्फा, अल्फा चेंज आया, तो बीटा में कितना चेंज आएगा, माइनस बीटा माइनस बीटा। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर टू क्यों आया, उसका रीजन यह है कि जब आप उसको इस तरीके से खींचेंगे तो लंबाई इंक्रीज होगी, और जब लंबाई इंक्रीज होगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई मान लो आप इसको ऐसा खींच रहे हैं, और जब खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी मोटाई कम होगी, एरिया में कमी आएगी, और एरिया किस में है, अगर आप इसको एक्स में खींच रहे हैं तो वाई में भी कमी आएगी और जेड में भी कमी आएगी। अगर एक्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इसका एरिया कम होगा, और एरिया किस में है, तो एरिया वाई में है और जेड में, तो वाई में भी बीटा चेंज आएगा और जेड में भी बीटा चेंज आएगा, यानी कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब लंबाई को खींचते हैं तो ये एरिया कम हो जाता है। अब ये एरिया किस में है, वाई में है, तो वाई में कितना चेंज आया, बीटा, जेड में कितना चेंज आया, बीटा। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज ये कम हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, आ जाएगा एल एक्स डैश इज इक्वल्स टू वन प्लस एल्फा माइनस टू बीटा। एल्फा ओनली एक्स के अकॉर्डिंग लेंथ इंक्रीज हुई है, बट वाई और जेड दोनों कम हुए, तो वाई में कितना कमी आई है, बीटा, जेड में कितनी कमी आई है, बीटा, ये हो गया। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ एल वाई डैश, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से खींच रहा हूँ यूनिट फोर्स से, इस तरीके से खींच रहा हूँ, तो देखेंगे अब ओनली वाई में इंक्रीमेंट होगा, जेड और एक्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीमेंट। तो लेंथ कितनी थी इनिशियल, वन प्लस कितना आया एल्फा माइनस टू बीटा, लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैसे ही अगर बात करते हैं एल जेड डैश, वन प्लस एल्फा माइनस टू बीटा। अब क्या किया है मैंने, इसको इस तरीके से खींचा है, जब इस तरीके से खींचा है तो जेड डायरेक्शन में क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, और दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एल जेड डैश। तो हमारे पास में ये फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वी डैश, और वी डैश कितना हो जाएगा, ये एल एक्स डैश एल वाई डैश एल जेड डैश। तो यहाँ पर ये तीनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस एल्फा माइनस टू बीटा का होल क्यूब, इस तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि तीनों सेम है और तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो होल क्यूब आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर बहुत गौर से देखेंगे तो ये द्विपद प्रमेय बन गई, बिनोमियल थ्योरम। यहाँ पर अल्फा और बीटा बहुत कम होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, और ये बहुत कम होते हैं तो हम जानते हैं बिनोमियल थ्योरम क्या होती है, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, इसको लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एंड प्लस एंड सो ऑन। जब ये वाली टर्म यानी कि x बहुत छोटा होता है तो इसको हम ओनली वन टर्म्स तक ओपन कर सकते हैं, तो हम पहली टर्म्स तक कितना है ये वन प्लस एन एक्स, और n हमारे पास में ये रहा थ्री, तो कितना आ जाएगा ये v डैश इज इक्वल्स टू वन प्लस थ्री एल्फा माइनस टू बीटा। हमारे पास में ये फाइनल वॉल्यूम आ गया, इनिशियल वॉल्यूम कितना था v, ये रहा, और फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया v डैश, इन दोनों का चेंज कितना होता है डेल v होता है, तो यहाँ पर डेल v कितना आ जाएगा,
तो डेल वी यहां से आ जाएगा, आप देखेंगे वी डैश माइनस के वी, इनिशियल वॉल्यूम कितना था वी वन यूनिट, और फाइनल कितना निकालना था डेल वी चेंज निकालना था, तो फाइनल कितना है हमारे पास में ये रहा। इसको हमने बिनोमियल थ्योरम से ओपन कर दिया ओनली वन टर्म्स तक। अभी वी कितना है वन है, तो वी डैश है ये वन प्लस थ्री एल्फा माइनस टू बीटा माइनस वन, वी की वैल्यू कितनी है वन है, और इस वन से ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा ये डेल वी इज इक्वल टू थ्री एल्फा माइनस टू बीटा, ये आ गया डेल वी, और इसी की हमको रिक्वायर्ड थी, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये तो क्या था वन था, तो के इज इक्वल टू वन ओवर वॉल्यूम स्ट्रेस कितना था वन था, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना था डेल वी, तो यहां पर डेल वी ओनली यहां पर आ जाएगा, और डेल वी की वैल्यू हमारे पास में ये रही, तो यहां पर आ जाएगा ये थ्री एल्फा माइनस टू बीटा, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं एल्फा कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा ये के इज इक्वल टू वन बाई एल्फा ओवर थ्री वन माइनस बीटा ओवर एल्फा टू, कुछ नहीं किया यहाँ से हमने अल्फा कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो इसके डिवीजन में आ गया, और यहाँ पर आ गया है टू बीटा, तो हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है बीटा ओवर अल्फा, ये होता है पॉइजन रेशियो, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो जहाँ पर ये है वहाँ पर ये लिख देंगे, ये आ जाएगा के इज इक्वल्स टू वन ओवर अल्फा ओवर थ्री वन माइनस टू सिग्मा, हमारे पास में ये आ गया। अब ये 1 ओवर अल्फा क्या है, तो हम अगर बात करते हैं यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस कितना होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है वाई, यंग मॉड्यूलस कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने यहाँ पर इसमें कितना फोर्स लगाया था, यूनिट फोर्स लगाया था, कितना एरिया था यूनिट एरिया, इस तरीके से तीनों डायरेक्शन लगाया, पहले एक्स में फिर वाई में और फिर जेड में, तीनों सरफेस पर लगाया, तो कितना फोर्स लगाया था यूनिट फोर्स, हमने हर जगह यूनिट फोर्स का, कितने पर यूनिट एरिए पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो स्ट्रेस है, ये तो वन हो गया, फोर्स कितना था यूनिट, एरिया कितना था यूनिट। वैसे अगर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये कितना होता है, तो यहां पर आ गया है वन, और ये होता है डेल एल ओवर एल। अब यहां पर एल क्या थी, तो आप यहां पर देख सकते हैं एल इसकी लेंथ थी, यूनिट लेंथ, वन हमने यहां पर कंसिडर कर रखी थी, तो यहां पर देखेंगे एल्फा बराबर कितना होता है डेल होता है, तो जहां पर डेल एल है वहां पर क्या लिख सकते हैं एल्फा लिख सकते हैं, तो फाइनली यहां पर एल की वैल्यू वन हो गई, तो यहां पर आ गया वाई इज इक्वल टू वन ओवर एल्फा, बिकॉज एल्फा कितना था डेल ओवर एल था, और एल की वैल्यू कितनी थी वन थी यूनिट लेंथ, तो एल्फा क्या था ये डेल एल के इक्वल था, तो जहां पर वन ओवर एल्फा है वहां पर क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ये के इज इक्वल टू वाई, और यहां पर आ जाएगा थ्री वन माइनस टू सिग्मा, यही रिलेशन होता है यंग मॉड्यूलस वाई बग मॉड्यूलस के एंड पॉइजन रेशियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई ईटा एंड सिग्मा, यानी कि यंग मॉड्यूलस शेयरिंग स्ट्रेस रिजिडिटी ऑफ स्ट्रेस, या फिर ये पॉइजन रेशियो, यहाँ पर ये क्या है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, जिसको हम बोलते हैं ईटा, में कई बार कन्फ्यूज होता हूँ, तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी आपसे किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो हम यूनिट यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में फॉर्मूला होता था जी, और यहाँ पर होता था ये एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, तो हम क्या बोलते थे एम वन इज इक्वल टू वन यूनिट, एम टू इज इक्वल्स टू वन यूनिट, आर इज इक्वल्स टू वन यूनिट, तो हमारी जी की वैल्यू आ जाती थी।
तो हम हमेशा जब भी कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं तो हम यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं, बहुत इजी होता है। वही हमने यहां पर अप्लाई किया है, इसको हमने यूनिट लेंथ का क्यूब माना, उसके बाद में एरिया कितना हो गया यूनिट, वॉल्यूम कितना हो गया यूनिट, और यहां पर हमने फोर्स भी यूनिट ही लगाया, और उसके बेस पर हमने आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में वाई के और सिग्मा के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों, और उसके बाद में हम सब में इसके बीच डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं तो लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।